अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समरीन कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं हम। यहाँ मैंने आलू लिए हैं और बेसन। आलू को आप छील लें और फिर इसको पतला पतला आपने काट लेना है, गोल गोल साइजेस में, और बेसन भी ले लेना है। उसके बाद आलू को आप वॉश कर लें अच्छे से ताकि सारा स्टार्च उसमें से ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने एक लिया है ब्लेंडर, जिसमें हरी मिर्ची डालूँगी, प्याज, धनिया की पत्ती और टमाटर। इन तीनों चीज़ों को डालें, चारों चीज़ों को, और फिर अच्छे से ब्लेंड कर लें। जब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए उसके बाद इन सबको बेसन में डालें। बेसन में डालने के बाद 1 टेबल स्पून फुल मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, और 1 से हाफ टेबल स्पून अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक अच्छे से पेस्ट की तरह तैयार कर लें। अच्छे से मिला लें ताकि कोई लम्स ना रह जाए। ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पतला नहीं करना है, ऐसा करना है ताकि आलू में अच्छे से बेसन लग जाए। देखिए अभी रेडी है। अब हमने क्या करना है, एक आलू को लेकर इसमें डीप करें। देखिए ये अच्छे से इतना ठीक है कि इसमें अच्छे से आलुओं में अच्छे से बेसन लग गया है। बस इसी तरीके से आप इतना ही पतला इसको रखें और फिर ऑयल रखें गर्म करने के लिए, उसमें फटाफट इसे डालें और फ्राई करना शुरू कर दें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना था। इसमें जो हमने लास्ट टाइम पे जो हमने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की थी, टमाटर, प्याज, ये सब, उससे ही इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इसको गोल्डन फ्राई करें और ये अच्छे से पक जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको आलू गलने का वेट करना है कि आलू पक जाए तो आप इसे निकालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने डालना है फटाफट और उतार लेना। आलू भी अच्छे से पकी होती है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बनता है। बन जाए सारी चीज़ें, फ्राई हो जाए अच्छे से सब कुछ, तो आपने इसे निकाल लेना है और फिर इसे आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिस चीज़ से खाना चाहते हैं, चाय के साथ खाना चाहते हैं तो चाय के साथ खा लें, या फिर चटनियों के साथ ले लें, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ट्राई करें और सबको खिलाएं, खुद भी खाया। चलती हूँ, दुआ में याद रखें, फिर आऊँगी एक नई।